बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। परफॉर्मेंस एंड कैरियर मैनेजमेंट का आज हम 18th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ें डिस्कस की थी, पढ़ी थी, डिटरमिनिंग ओवरऑल रेटिंग, जिसके अंदर हमने जजमेंटल प्रोसीजर एंड मैकेनिकल प्रोसीजर डिस्कस किया। उसके बाद हमने केस एग्जांपल डिस्कस की, परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म की। देन वी डिस्कस अप्रेजल पीरियड एंड नंबर ऑफ मीटिंग्स। देन वी डिस्कस्ड पॉसिबिलिटी ऑफ अप्रेजल मीटिंग्स। देन वी डिस्कस फॉर्मल मीटिंग्स, और छह किस्म की मीटिंग्स हमने डिस्कस की, सिस्टम इनॉग्रेशन, सेल्फ अप्रेजल, क्लासिकल परफॉर्मेंस रिव्यू, मेरिट स्लैश सैलरी रिव्यू, डेवलपमेंटल प्लान्स, ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स। एजेंडा ऑफ टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर का एजेंडा ये है, हु शुड परफॉर्म प्रोवाइड परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। वो कौन से लोग हैं जो कि परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन देते हैं, सुपरवाइजर, पीयर्स, सबऑर्डिनेट्स, सेल्फ, कस्टमर्स। डिसएग्रीमेंट अक्रॉस सोर्स, इज दिस अ प्रॉब्लम। अगर डिसएग्रीमेंट आ जाए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की सोर्सेज में, और इंफॉर्मेशन जो डिफरेंट सोर्सेज से मिली हैं, तो ये क्या प्रॉब्लम है। नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर। हु शुड प्रोवाइड परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। सो फॉर वी हैव अज्यूम्ड दैट द सुपरवाइजर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। अभी तक जो हमने लेक्चर्स पढ़े और जो हमने चीज़ें डिस्कस की, उससे हमें यही लगता है और हम ये अज्यूम करते हैं कि सुपरवाइजर इज़ द पर्सन जो कि प्राइमरी सोर्स होता है कोई भी परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन देने की, यानी कि सुपरवाइजर से हमें तमाम परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन मिलती हैं। दिस इज द केस इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ये बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में यही केस होता है, बिकॉज द सुपरवाइजर ऑब्जर्व्स एम्प्लॉयज डायरेक्टली एंड हैज़ गुड नॉलेज अबाउट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। क्योंकि सुपरवाइजर ही वो इंडिविजुअल होता है जो कि डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहा होता है कोई भी काम, किसी की भी परफॉर्मेंस को, और उसे कंप्लीट नॉलेज होता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का। यानी कि सुपरवाइजर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को भी जानता है और वो परफॉर्मेंस को सुपरवाइज भी कर रहा होता है, चेक भी कर रहा होता है। तो इस वजह से सुपरवाइजर को प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परफॉर्मेंस कंसिडर किया जाता है। हाउएवर देयर आर ऑल्सो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं जो कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय सुपरवाइजर्स, पीयर्स, सबऑर्डिनेट्स, सेल्फ एंड कस्टमर्स। परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन सुपरवाइजर्स, पीयर्स वो लोग जो आपके साथ काम करते हैं, सबऑर्डिनेट्स जो कि आपके सबऑर्डिनेट हैं, आप खुद और कस्टमर्स दे सकते हैं। ये तमाम इंडिविजुअल्स हैं जो कि परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी एम्प्लॉय दे सकते हैं। सुपरवाइजर्स, एडवांटेज ऑफ यूजिंग सुपरवाइजर्स एज अ सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन इज दैट दे आर यूजली इन बेस्ट पोजिशन टू अवेल्युएट परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सुपरवाइजर्स को ये एडवांटेज हासिल होता है कि वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन पोजीशन में होते हैं वो लोग कि वो परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करें इन रिगार्ड टू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सुपरवाइजर्स आर ऑफन दोज मेकिंग दोज डिसीजंस अबाउट रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। सुपरवाइजर्स अक्सर औकात वो लोग होते हैं जो कि रिवॉर्ड्स इन रिगार्ड टू परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन जज करते हैं या देते हैं।
यानी कि वो फैसला करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की थी तो उसको कौन से रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। इन एडिशन सुपरवाइजर्स आर एबल टू डिफरेंशिएट अमंग वेरियस परफॉर्मेंस डायमेंशंस, फॉर एग्जांपल एडेप्टेबिलिटी, कोचिंग एंड डेवलपमेंट, रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय बीइंग रेटेड। इसके साथ ही सुपरवाइजर्स को ये कैपेबिलिटी भी हासिल होती है कि वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डायमेंशंस में, जिनके अंदर कई किस्म की डायमेंशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एडेप्टेबिलिटी, कि वो मुख्तलिफ सूरत हाल में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं या नहीं, कोचिंग और डेवलपमेंट, रिगार्डलेस द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय बीइंग रेटेड, यानी कि उसमें इस चीज़ से कतई नज़र हो के कि वो एम्प्लॉय की एक्सपीरियंस क्या है और जो जिसको रेट किया जा रहा है। इन शॉर्ट सुपरवाइजर्स आर ऑफन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। मुख्तसर ये कि सुपरवाइजर्स बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन का, यानी कि वो परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन सुपरवाइजर जो कर सकते हैं वो उन जैसी परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन शायद ही और कोई इंडिविजुअल दे सके। दे आर नॉलेजेबल बिकॉज अबाउट स्ट्रैटेजिक इशूज़, उन्हें स्ट्रैटेजिक इशूज़ ही पता होते हैं, अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस एंड यूजुअली इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग पीपल परफॉर्मेंस। सुपरवाइजर्स को स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन भी होती है कि उनकी कॉरपोरेट, उनकी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन है, उनके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और वो ये समझते हैं कि और वो अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मैनेज भी कर रहे होते हैं और वो उनकी परफॉर्मेंस को समझते भी हैं इन रिगार्ड टू स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक सुपरवाइज़र को ओवरऑल एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्मेंस का बहुत बेहतरीन तरीके से आइडिया हो जाता है, और जो सुपरवाइज़र परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन देते हैं या शेयर करते हैं वो शायद ही कोई और उतनी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। ऑल्दो सुपरवाइजर्स आर यूजुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट समटाइम्स ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अदर सोर्सेज शुड बी कंसिडर्ड एज वेल। अगर चाहिए कि सुपरवाइज़र सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं रिगार्डिंग परफॉर्मेंस, लेकिन अक्सर औकात दूसरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से भी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए रिगार्डिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट सेल्फ अप्रेजल आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द परफॉर्मेंस रिव्यू प्रोसेस। मिसाल के तौर पे हम ये देख चुके हैं कि सेल्फ अप्रेजल्स एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है परफॉर्मेंस रिव्यू प्रोसेस में। इन एडिशन टू सेल्फ अप्रेजल एंड सुपरवाइजर अप्रेजल, परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम पीयर्स, कस्टमर एंड सबऑर्डिनेट्स। सेल्फ अप्रेजल और सुपरवाइजर अप्रेजल के अलावा हम परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कस्टमर्स, पीयर्स जो आपके साथ काम करते हैं या आपके सबऑर्डिनेट्स, उनसे भी हासिल कर सकते हैं। ऑल्टरनेट सोर्सेज आर यूजली कंसिडर्ड बिकॉज सम जॉब्स सच एज टीचिंग, लॉ enforcement or sales, the supervisor may not observe her subordinate's performance on regular basis. जो alternate sources और मुख्तलिफ sources हम use करते हैं information की, उसकी एक वजह यह भी होती है कि बहुत सी ऐसी jobs होती हैं जहाँ के supervisor in direct contact नहीं होता अपने employee के साथ, अपने subordinate के साथ जिसको उसने एवेल्यूएट करना होता है, सुपरवाइज करना होता है। फॉर एग्जांपल टीचिंग लॉस इन्फोर्समेंट्स की जॉब और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की जॉब, इन जॉब्स में सुपरवाइजर्स अक्सर औकात अपने एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं होते, जिस वजह से अगर हम दूसरी अल्टरनेट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लें रिगार्डिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस तो वो ज़्यादा बेहतर मालूमात हो सकती हैं।
Also, performance evaluations given by the supervisor may be biased, because the supervisor may evaluate performance based on whether the rate is contributing to goals valued by supervisors as opposed to goals valued by the organization as a whole. Performance evaluation supervisor ki taraf se jo hoti hai wo bias bhi ho sakti hai, usme ikhtilaf bhi aa sakta hai, aur uski wajah ye ho sakti hai ki supervisor jin goals ko importance deta hai, ho sakta hai ki wo goals organization goals ke samne important na ho, magar वो एम्प्लॉय जिसको वो सुपरवाइजर रेट कर रहा है, हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को इम्पोर्टेंस देकर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करे, तो इस बायस के नतीजे में एक सुपरवाइजर अपने एम्प्लॉय को, इंडिविजुअल को जिसकी वो रेटिंग कर रहा है, उसे परफॉर्मेंस जो अप्रेजल करेगा उसमें वो काफ़ी हद तक बायस होकर उसे गलत रिपोर्ट भी, गलत परफॉर्मेंस अप्रेजल भी दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल, a supervisor may provide high performance ratings to employees who help the supervisor advance his career aspirations within the company, as opposed to who engages in behaviors conducive to help achieve organization's strategic goals. Misal ke taur par, ek supervisor हाई परफॉर्मेंस रेटिंग उन इंडिविजुअल्स को देगा जो कि उसे अपने कैरियर को एडवांस करने के लिए बेहतरीन मौके फराहम करेंगे, लेकिन उसके इन उन एम्प्लॉयज़ के मुकाबले में वो उन एम्प्लॉयज़ को जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे, हो सकता है कि वो उन्हें वो रेटिंग्स, परफॉर्मेंस रेटिंग्स ना दे. ये एक हमने एग्जांपल डिस्कस की जिसमें एक सुपरवाइज़र जो है वो उन तमाम सबऑर्डिनेट्स को जो कि उसकी मदद करते हैं और सुपरवाइज़र के कैरियर को इन्हांस करते हैं, वो उन्हें अच्छी रेटिंग देता है, मगर वो एम्प्लॉयज़ जो कि सुपरवाइज़र की बात नहीं मानते बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो उन्हें नेगेटिव रेटिंग दे सकता है. तो इन तमाम बायसेस की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो सुपरवाइजर एवेल्यूएशन के साथ साथ अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन वो भी हासिल करे, अल्टरनेट सोर्सेज को यूज़ करे, और उन तमाम सोर्सेज और सुपरवाइजर की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन को सामने रखते हुए एक मुनासिब परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाए, और इस तरह एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल एक एम्प्लॉय की हो सकती है और उसको मुमकिन बनाया जा सकता है. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पीयर्स. मैनी ऑर्गेनाइजेशंस यूज परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन प्रोवाइडेड बाय पीयर्स. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन उन तमाम इंफॉर्मेशन को जो कि आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनसे मिली होती हैं, उन तमाम इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन में. पीयर एवेल्यूएशन तीन किस्म की प्रॉब्लम सफ़र करती हैं. नंबर एक, सच एवेल्यूएशन मे नॉट बी रेडली एक्सेप्टेड व्हेन एम्प्लॉयज बीइंग बिलीव देयर इज अ फ्रेंडशिप और बायस एट वर्क. यानी कि पीयर एवेल्यूएशन की जो पहली प्रॉब्लम है वो ये कि अगर पीयर्स के दरमियान फ्रेंडशिप हो या उनके दरमियान बायस हो तो इस नतीजे में एक फेयर एवेल्यूएशन, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन नहीं हो सकेगी. A second problem with peer evaluation is that peers are less discriminating amongst performance dimensions than our supervisors. दूसरी problem ये है कि peers कम discriminate करते हैं as compared to supervisors. Finally, peer evaluation is likely to be affected by what is called context effects. जो आखिर में peer evaluation इफेक्ट होती है जिस वजह से, उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट्स. एक हम केस स्टडी डिस्कस करते हैं. एज एन एडिशनल एग्जांपल, द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम इन विच स्टूडेंट्स रेट देयर पीयर्स इन टर्म्स ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल परफॉर्मेंस. स्टूडेंट्स
began to provide anonymous ratings online at the end of their first year in medical school. The system allows students to share their assessment of their peers and provides faculty with early warning signs to assist students who may not be performing up to personal or professional standards. Australian National University Medical School ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें पीयर्स को अलाउ किया गया कि वो प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पे परफॉर्मेंस को रेट करें एक दूसरे की. स्टूडेंट्स ने एनोनिमस रेटिंग्स ऑनलाइन प्रोवाइड करनी शुरू की एट द एंड ऑफ देयर फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल. ये सिस्टम इजाज़त देता था स्टूडेंट्स को टू शेयर देयर असेसमेंट कि वो दूसरे पीयर्स और अपने पीयर्स के दरमियान, अपने दोस्तों के दरमियान और या अपने को वर्कर्स के दरमियान, को स्टूडेंट्स के दरमियान इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें और फैकल्टी को प्रोवाइड करें विद अर्ली वार्निंग साइंस के वार्निंग साइंस दें फैकल्टी को प्रोवाइड करें उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि प्रोफेशनल और पर्सनल स्टैंडर्ड्स के ख़ास लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे होते या उनके पर्सनल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में कोई प्रॉब्लम आ गया होता है और वो प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहे होते. फॉर एग्जांपल, कंसिडर द सिचुएशन इन विच पीयर्स एवेल्यूएट कम्युनिकेशन बिहेवियर. द सेलियंस ऑफ सच बिहेवियर विल बी अफेक्टेड बाई कॉन्टेक्स्ट. These behaviors are much more salient when there is a conflict as compared to routine daily work. The resulting peer evaluations can thus be quite different based on whether the peer providing the rating is thinking about one specific situation versus another one or communication behavior across situations in general. दूसरी एग्जांपल जो इसमें हम डिस्कस करते हैं कर रहे हैं वो ये कि जो बिहेवियर्स कॉन्टेक्स्ट की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं, एक ख़ास सिनेरियो की वजह से, एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं. पीयर्स परफॉर्मेंस रेटिंग के अंदर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पीयर्स किसी ख़ास सिचुएशन, किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट में अपने को वर्कर्स, अपने को स्टूडेंट्स की रेटिंग कर देते हैं, किसी ख़ास सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए रेटिंग करते हैं. अगर इस तरह की रेटिंग की जाए तो ये टोटली बायस्ड होती है और इसमें यह प्रॉब्लम होगा कि ये जेन्युइन रेटिंग नहीं होगी बिकॉज लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते जाते हैं. और अगर हम एक जनरल टर्म्स में किसी की एवेल्यूएशन करें किसी ख़ास इंसिडेंट को मद्देनज़र ना रखते हुए तो यही एक फेयर एंड एक्यूरेट परफॉर्मेंस होगी पीयर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में. क्या पीयर्स जर्नल टर्म्स में और एक जर्नल जर्नलाइज एटमॉस्फेयर में एक दूसरे पीयर की परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन को शेयर करें और परफॉर्मेंस को रेट करें, अदरवाइज वो परफॉर्मेंस रेटिंग जो कि एक ख़ास इंसिडेंट की वजह से दी जाए वो सही परफॉर्मेंस रेटिंग नहीं होगी. इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं थर्ड प्रॉब्लम जो कि पीयर्स की वजह से होती है, इसको कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम कहते हैं. सबऑर्डिनेट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ देयर मैनेजर्स. सबऑर्डिनेट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं, बहुत अच्छे सोर्स होते हैं रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ देयर मैनेजर्स, अपनी मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को बयान करने के बारे में. ये वो अपने मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से बयान कर पाते हैं क्योंकि वो मैनेजर्स के साथ ही काम कर रहे होते हैं और उनका उठना बैठना भी उन्हीं के साथ होता है. सबऑर्डिनेट्स आर इन गुड पोजिशन टू एवेल्यूएट leadership competencies including delegation, organization and communication. subordinates ek bahut achhi position mein hote hain
कि वो एवेल्यूएट कर लें लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज को अपने मैनेजर्स के अंदर, जिसके अंदर डेलीगेशन आता है, ऑर्गेनाइजेशन आता है और कम्युनिकेशन आता है. यानी कि क्या डेलीगेशन जो है वो मैनेजर की तरफ से होती है या नहीं, वो प्रॉपरली काम को डेलीगेट करता है या नहीं अकॉर्डिंग टू वंस कैपेबिलिटी वंस एबिलिटीज एंड स्किल्स, और ऑर्गेनाइज प्रॉपर करता है या नहीं काम को, अपनी टीम को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड अप टू डेट रखता है या नहीं, और वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करता है या नहीं अपने डिपार्टमेंट में अपने तमाम सबऑर्डिनेट्स के अंदर के साथ यूजफुल इंफॉर्मेशन. सबऑर्डिनेट्स में भी आस्क्ड टू रेट देयर मैनेजर्स टू रिमूव बैरियर्स दैट एम्प्लॉय फेस, शील्ड एम्प्लॉय फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड रेज एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंसीज. सबऑर्डिनेट्स में भी आस्क्ड टू रेट देयर मैनेजर्स एबिलिटी टू रिमूव बैरियर्स दैट एम्प्लॉय फेस, शील्ड एम्प्लॉय फ्रॉम पॉलिटिक्स, रेज एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंसीज. सबऑर्डिनेट से ये कहा जाता है कि वो अपने मैनेजर्स की एबिलिटी को रेट करें, इन बेसिस को मद्देनजर रखते हुए कि आया कि वो अपने एम्प्लॉय को जो मुश्किलात फेस करनी होती हैं या प्रॉब्लम्स या बैरियर्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं या नहीं, वो एम्प्लॉयज को पॉलिटिक्स से दूर रखते हैं या नहीं, और वो एम्प्लॉयज की कॉम्पिटेंसीज को इंक्रीज करते हैं या नहीं. ये तमाम इन तीनों चीज़ों को सामने रखते हुए एक एम्प्लॉय को रेट करना है एक अपने मैनेजर को, और सबऑर्डिनेट को चाहिए को इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अपने मैनेजर को रेट करें. मैनी ऑर्गेनाइजेशंस टेक अपवर्ड फीडबैक वेरी सीरियसली. अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस जो सबऑर्डिनेट की तरफ से फीडबैक आता है उसको बहुत सीरियसली लेते हैं. टेक द केस ऑफ कंप्यूटर जायंट डेल. हम डेल के एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है विच एम्प्लॉयज ओवर 78,700 इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड, जो कि 78,700 लोगों से ज़्यादा एम्प्लॉयज को इस वक्त हायर किए हुए हैं. इन 1984 माइकल डेल फाउंडेड डेल बेस्ड ऑन सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग कंप्यूटर सिस्टम्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स. 1984 में माइकल डेल ने इस कंपनी को बनाया और एक बहुत ही सादे कॉन्सेप्ट बनाया कि कंप्यूटर्स को डायरेक्ट सेल किया जाए, बेचा जाए टू द कस्टमर्स. इन 2004 फॉर्च्यून मैगजीन रैंक्ड डेल द नंबर वन मोस्ट एडमायर कंपनी इन यूनाइटेड स्टेट्स. 2004 में फॉर्च्यून मैगजीन जो कि लिस्ट करता है बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस को, टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशंस को, उसने डेल को नंबर वन रैंक किया इन मोस्ट एडमायर कंपनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यानी कि वो कंपनी है जहां पे हर कोई काम करना चाहेगा, हर एम्प्लॉय डिजायर करेगा कि वो डेल में जॉब करें. एट डेल ऑल एम्प्लॉयज रेट देयर सुपरवाइजर्स. डेल में तमाम एम्प्लॉयज अपने सुपरवाइजर्स को रेट करते हैं इंक्लूडिंग माइकल डेल हिमसेल्फ. यहाँ तक कि माइकल डेल जो है इस कंपनी का ओनर, वो अपने आप को एवेल्यूएट करवाता है एवरी सिक्स मंथ यूजिंग टेल डेल सर्वेज. यानी कि हर छः महीने बाद ये सर्वे किए जाते हैं और इसका नाम है टेल डेल. माइकल डेल सेड इफ यू आर अ मैनेजर एंड यू आर नॉट एड्रेसिंग एम्प्लॉयज इश्यूज you are not going to get compensation, and if you consistently score in the bottom rungs of the surveys, we are going to look at you and say maybe this isn't the right job for you. Michael Dell kehte hain ki agar ek manager apne employees ke issues ko address nahi kar raha to usko hum कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे. यानी कि उसकी हम रिवॉर्ड जो सैलरी और कॉम्पेंसेशन वगैरह वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, और अगर लगातार इन द बॉटम रंग्स ऑफ द सर्वे और लगातार वो मैनेजर
सबसे नीचे के स्कोर्स में है सर्वे में, तो हम उसे कहेंगे कि शायद ये जॉब आपके लिए सूटेबल नहीं है या सही जॉब नहीं है, यानी कि आप अपने इस जॉब के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे अपने एम्प्लॉयज़ को और अपने उनकी प्रॉब्लम्स का एड्रेस नहीं कर रहे। तो इस वजह से डेल कंपनी उन तमाम मैनेजर्स को अपनी कंपनी से फारिग कर देती है जो कि अपने एम्प्लॉयज़ की इश्यूज़ को सॉल्व ना करें। द इंटेंडेड पर्पस ऑफ द एवोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय सबऑर्डिनेट्स हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंटेंडेड पर्पस है कि सबऑर्डिनेट प्रोवाइड करें इंफॉर्मेशन, हैज़ एन इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट पड़ता है इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी पे। ओवरऑल परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सबऑर्डिनेट्स इज मोर एक्यूरेट। सबऑर्डिनेट जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन इंफॉर्मेशन बयान करते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। व्हेन द रिजल्टिंग रेटिंग्स आर टू बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस रादर देन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। When evaluation data are intended for administrative purposes के लिए जब डेटा को इस्तेमाल किया जाता है, that is whether the manager should be promoted, यानी कि क्या मैनेजर को प्रमोट किया जाए या नहीं। Subordinates are likely to inflate their ratings. Subordinate अपनी ratings देते हैं, most likely this is because subordinates may fear retaliation if they provide low performance scores. Confidentiality is key if subordinates are to be used as a source of performance information. यानी कि confidentiality की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर confidentiality नहीं होगी तो subordinate अपने manager के बारे में कोई भी performance review देने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि अगर manager को पता चल गया कि एक employee ने उन्हें स्कोर कम दिया है जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई है, तो वो एम्प्लॉय हो सकता है कि उस मैनेजर के साथ फ्यूचर में काम ना कर सके ड्यू टू डिफरेंसेस अमंग वन अनदर। सेल्फ अप्रेजल्स आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। सेल्फ अप्रेजल किसी भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का में बहुत अहम किरदार अदा करता है। व्हेन एम्प्लॉयज आर गिवन द अपॉर्चुनिटी to participate in the performance management process, their acceptance of the resulting decision is likely to increase and their defensiveness during the appraisal interview is likely to decrease. Jab employees ko opportunity di jati hai ki wo participate kare management performance management process mein, to their acceptance of the resulting decision is likely to increase. Ki agar us surat mein resulting decision ko accept karne ka ज़्यादा चांसेस होंगे कि एम्प्लॉय उस डिसीजन एक्सेप्ट कर लेगा। इन देयर डिफेंसिवनेस ड्यूरिंग अप्रेजल इंटरव्यू इज लाइकली टू डिक्रीज, और जो उनकी डिफेंसिवनेस पोजीशन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी ड्यूरिंग इंटरव्यू। एन एडिशनल एडवांटेज एसोसिएटेड विद सेल्फ अप्रेजल इज दैट एम्प्लॉय इज इन अ गुड पोजिशन टू कीप ट्रैक ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड, व्हेयरएज अ सुपरवाइजर मे हैव टू कीप ट्रैक ऑफ द परफॉर्मेंस of several employees. On the other hand, self-appraisal should not be used as a sole information or in making administrative decisions because they are more lenient and biased than a rating provided by other sources such as direct supervisor. This may explain why the vast majority of Fortune 500 companies do not include self-appraisals, tend to be less lenient when they are used for developmental as opposed to administrative purposes. In addition, यानी कि self-appraisal जो है वो employee को एक अच्छी position पर रखती है कि वो track रखता है अपनी तमाम activities का जो कि उसने review period में की होती हैं, और ख़ास तौर पे वो एक्टिविटीज़ जो कि अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं इन द रिव्यू पीरियड। और दूसरे हाथ पे सेल्फ अप्रेजल को यूज़ ना किया जाए एज सोल बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन
इन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन करते वक्त परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन सेल्फ रिलेटिंग टू सेल्फ अप्रेजल को सोली कंसिडर ना किया जाए, क्योंकि वो बहुत लीनियंट होते हैं एंड बायस हो जाता है द रेटिंग प्रोवाइड अदर सोर्सेज, यानी कि उसका फिर दूसरी सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन मिलती है बीच में बायस आ जाता है। इसी वजह से फॉर्चून 500 की जो कंपनीज हैं वो सेल्फ अप्रेजल को शामिल नहीं करती एज पार्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। फॉलोइंग सजेशंस में इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सेल्फ अप्रेजल, दरअसल सजेशन जो है वो सेल्फ अप्रेजल की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। यूज कंपैरेटिव एज अपोज टू एब्सोल्यूट मेजरमेंट सिस्टम, कंपैरेटिव मेजरमेंट सिस्टम यूज करने चाहिए एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट मेजरमेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ आस्किंग इंडिविजुअल्स टू रेट देमसेल्फ यूजिंग रेंजिंग फ्रॉम पुअर टू एक्सीलेंट प्रोवाइड स्केल दैट अलाउज टू कंपेयर देयर परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ अदर्स, यानी कि कंपेरेटिव सिस्टम को यूज करना चाहिए एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट मेजरमेंट सिस्टम। कंपेरेटिव में यानी कि हम एग्जाम्पल में डिस्कस करें तो ये एग्जाम्पल कि इंडिविजुअल से जब अपने आप को रेट करने के बारे में कहा जाए तो उन्हें ग्रेड ना दिए जाए कि पुअर से एक्सीलेंट में अपने आप को रेट करें, बल्कि उनसे पूछा जाए और उन्हें प्रोवाइड किया जाए स्केल उनकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और फिर उसे कंपेयर किया जाए दूसरों के परफॉर्मेंस से। अलाउ एम्प्लॉय टू पार्टिसिपेट देयर सेल्फ रेटिंग स्किल्स, एक एम्प्लॉय को अलाउ करना चाहिए, इजाजत देनी चाहिए कि वो अपने सेल्फ रेटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ अप्रेजल बिकॉज द स्किल ऑफ सेल्फ एवेल्यूएशन मे वेल बी वन दैट इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस, यानी कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ अप्रेजल दी जानी चाहिए ताकि सेल्फ एवेल्यूएशन बेहतर से बेहतर हो सके और ये इम्प्रूव करे विद प्रैक्टिस। अश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड रीअश्योरेंस दैट परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम वन सेल्फ विल नॉट बी डिसेमिनेटेड एंड शेयर विद एनीवन अदर देन द डायरेक्ट सुपरवाइजर एंड अदर रेलिवेंट पार्टीज, फॉर एग्जाम्पल मेम्बर्स ऑफ द सेम ग्रुप। मिसाल के तौर पर सेल्फ अप्रेजल जो है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना चाहिए और श्योरिटी देनी चाहिए, रीअश्योरेंस देना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है उसको बहुत ही सीक्रेट तरीके से रखा जाएगा और किसी से शेयर नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट डायरेक्ट सुपरवाइजर एंड अदर रेलिवेंट पार्टीज, फॉर एग्जाम्पल मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप। एम्फेसाइज द फ्यूचर, द डेवलपमेंटल प्लान सेक्शन ऑफ द फॉर्म शुड प्रोवाइड should receive substantial attention. The employee should indicate his plan for future development and accomplishment. फ्यूचर पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। डेवलपमेंट प्लान सेक्शन जो है फॉर्म का वो सब्सटेंशल अटेंशन इसलिए हासिल करता है क्योंकि वह फ्यूचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। एम्प्लॉय शुड इंडिकेट, और एम्प्लॉय को खुद चाहिए कि वह इस चीज़ को इंडिकेट करे कि उसका फ्यूचर प्लान क्या है, डेवलपमेंट और अकम्प्लिशमेंट प्लान क्या है। कस्टमर एंड अदर की स्टेक होल्डर इन जनरल प्रोवाइड येट अनदर सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, कस्टमर्स और अदर जो और इसके अलावा जो और की स्टेक होल्डर्स हैं इन जनरल वो प्रोवाइड करते हैं अदर सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, यानी कि वो दूसरी परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन शेयर करने की दूसरी सोर्स बन जाते हैं। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर्स कैन बी कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हाउएवर परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय कस्टमर्स इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर जॉब्स विद दैट रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ इंटरेक्शन विद द पब्लिक और पर्टिकुलरली जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग मैनेजर, सप्लायर, सेल्स रेप्स। कस्टमर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, हालांकि
परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कस्टमर, जो कस्टमर परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन देते हैं, इज पर्टिकुलर यूजफुल फॉर जॉब्स, जॉब्स के लिए वो बहुत अहमियत के हामिल है, और दैट रिक्वायर अ हायर डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, हायर डिग्री ऑफ इंटरेक्शन होना चाहिए, और इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए हायर डिग्री ऑफ इंटरेक्शन होना चाहिए विद कस्टमर्स। जब कस्टमर से हायर डिग्री ऑफ इंटरेक्शन होगा तब ही कस्टमर्स को आइडिया होगा कि किस किस्म की उसके बाद ही वो बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनल कस्टमर्स, इंटरनल कस्टमर्स से परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल लाइन मैनेजर्स, लाइन मैनेजर मे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ देयर HR representatives, although the clients served may not have full knowledge of the organization's strategic direction, they can provide useful information. For example, consider how this is done at Federal Express. Federal Express revises performance management system to include measures of customer service. Currently, the company uses 6-item customer satisfaction survey, which is evaluated by a representative sample of employees' customers at the end of each year. As a result of adding customers' input and customer be advanced and customer developed goals to the performance review process, employees are more focused on meeting customer expectations. Federal Express ka hum case discuss kar rahe the ki kis tarah Federal Express ne apna performance management system revise kiya, और कंपनी यूज इस वक्त कर रही है 6-item कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, जो कि एवेल्यूएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑफ एम्प्लॉयज कस्टमर एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। हर साल के एंड में एम्प्लॉय के साथ बैठ के एक स्टैंडर्ड सेट करके एक परफॉर्म्स फिल किए जाते हैं। इसके नतीजे में कस्टमर इनपुट के नतीजे में कस्टमर डेवलप्ड गोल्स to the performance review process, employees are more focused on meeting customer expectation. Although Federal Express is now using external customer in evaluating performance organization, in other industries have some catching up to do. For example, Federal Express is now using external customers input in evaluating performance. Organizations in other industries have some catching up to do. For example, a recent study examining appraisal form used to evaluate the performance of account executive in largest advertising agencies of the United States of America found that much more emphasis is placed on internal than on external customers. Specifically, external client feedback was measured on only 12% of the agencies studied. About 20% of agencies do not evaluate the contribution so that account executives make to client relation so a contribution that account executives make to client relationship and to growing client's business. In short, advertising agencies might not benefit from assessing the performance of account executive from the perspective not only of internal but also external customers. Disagreement across sources, is this a problem? If performance information is collected from more than one source, it is likely that there will be some overlap in dimensions measured. Info performance information agar collect ki jaye from ek se zyada sources se to ye bahut zyada imkan hai ke overlap ho jayega in dimensions measured. जो डायमेंशन मेजर की जाती है उनमें ओवरलैप हो जाएगा। मैनेजर्स, पीयर्स एंड डायरेक्ट सुपरवाइजर मे रेट हिम ऑन कॉम्पिटेंसी कम्युनिकेशन। इन एडिशन द ओवरलैपिंग डायमेंशन अक्रॉस सोर्सेज, ईच सोर्स इज लाइकली टू एवेल्यूएट परफॉर्मेंस डायमेंशन दैट आर यूनिक टू ईच सोर्स। फॉर एग्जाम्पल सबऑर्डिनेट्स मे एवेल्यूएट डेलीगेशन बट दिस कॉम्पिटेंसी मे नॉट बी इंक्लूडेड ऑन फॉर्म
used by the direct supervisor. Once the competencies and results that need to be measured are identified for a particular position, the decision needs to be made regarding which source of information will be used to assess each dimension. Of course, it is likely that there will be some overlap, यानी कि वहाँ पे कुछ overlap होगा, and some dimensions or कुछ dimensions will be rated by more than one source, और एक dimension को measure करने के लिए rate करने के लिए हमें एक से ज़्यादा source अपनानी पड़ेंगी. Regardless of the final decision, it is important that employees take an active process role in deciding which resources will rate which dimensions. Active participation in the process is likely to enhance acceptance of results and perceptions that the system is fair. Moreover, studies including Master of Business Administration students, executive MBA students, and managers in large Canadian insurance company found that when given a choice, individuals tend to select raters whom they think are most acquainted with their work, as opposed to how much they like them and how much they think the raters like them. Disagreement across source, is this a problem? When the same dimension is evaluated across sources, we should not necessarily expect ratings to be similar. जब एक ही dimension को evaluate किया जाए different sources से, तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि मुख्तलिफ किस्म की ratings available होंगी और हमें same rating expect नहीं करनी चाहिए. Different sources disagreeing about an employee's performance is not necessarily a problem. Jo different sources ho wo agar disagree kare about an employee's performance se disagree kare to ye zaruri nahi ki ye ek problem ho. Self ratings of sales people do not necessarily agree with the ratings given by their direct supervisor. सेल पर्सन जो होते हैं वो अक्सर खुश नहीं होते कि जब उन्हें उनका डायरेक्ट सुपरवाइजर रेटिंग देता है, विच में इंडिकेट जो जाहिर करता है मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग नेचर ऑफ परफॉर्मेंस. ऑल्सो दोज रेटिंग द सेम एम्प्लॉय मे बी ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स एंड दे प्रोबेबली ऑब्जर्व डिफरेंट फेसेट्स ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इवन इफ दे आर एवेल्यूएटिंग the same general competency, for example communication or sales behavior. In fact, the behavioral indicators for the same competency may vary across sources. यानी कि एक behavioral indicator है वो different sources में different तरह पे rate होगा और different तरीके से वो वहाँ पे check किया जाएगा. For example, an employee may be able to communicate very well with his superior but not very well with his subordinate. मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉय अपने मैनेजर के साथ या अपने सुपीरियर के साथ तो बहुत आराम से बात कर लेता है, कम्युनिकेट कर, लेकिन वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ घबराता है या वो सही तरह बात नहीं कर पाता. द इम्पॉर्टेंट इशू इज टू टेक इनटू अकाउंट इज दैट हर सोर्स के लिए द बिहेवियर एंड रिजल्ट्स टू बी रेटेड मस्ट बी डिफाइंड क्लियरली सो दैट बायसेस आर मिनिमाइज्ड. यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट इशू हमें जहन नशीन करना चाहिए कि हम हर सोर्स ऑफ बिहेवियर रिजल्ट को रेट करें लेकिन डिफाइन करें क्लियरली ताकि बायसेस और अख्तलाफात को हम मिनिमाइज कर सकें. इन टर्म्स ऑफ फीडबैक However, there is no need to come up with one overall conclusion regarding employee performance. On the contrary, it is important that the employee receive information on how her performance was rated by each of the sources used. This is the crux of what is called 360-degree feedback system, which are discussed in more detail. When feedback is broken down by source, the employee can place particular attention and employ on the interactions involving the source that has been
detected performance deficiencies. If disagreements are found, a decision must be made regarding the relative importance of the rating provided by each source. For example, is it equally important to please external or internal customers? Is communication an equally important competency regarding subordinates and peers? Answering these questions can lead to assigning differential weights to the scores provided by the different sources in computing the overall performance score used by the administrative purposes. Misal ke taur pe, kya ye equally important hai ke external or internal customers ko khush rakha jaye, khush kiya jaye? Kya communication equally important hai, equally important competency hai regarding subordinates and peers? Ke aaya ke communication jo hai wo equally important competency hai regarding aapke jo ird gird kaam karte hain ya aapke jo niche subordinates kaam karte hain. Answering these questions can lead to assigning differential weight to the scores provided by different sources in computing the overall performance score used for administrative purposes. Dear students, aaj ka hum lecture yahan pe hamara lecture complete hota hai. और आज जो हमने पढ़ा एक दफ़ा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं. आज के जो चैप्टर में हमने चीज़ें कवर की उनमें सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि हु शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस. उसमें हमने डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिस्कस किया जहाँ से हमें डिफरेंट सोर्सेज को जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है. जो प्राइमरी सोर्स थी वो सुपरवाइज़र थी कि सुपरवाइज़र इज़ इन द बेस्ट पॉसिबल पोजिशन, इन द बेस्ट पोजिशन जो कि इंफॉर्मेशन दे सकता है रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट्स. जो अदर परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स थे वो ये पीयर ग्रुप, आपके सबऑर्डिनेट्स, सेल्फ, आप खुद दें इंफॉर्मेशन और कस्टमर्स. देन वी हैव डिस्कस एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और डिस्कस इन डिटेल ऑल द परफॉर्मेंस ऑल द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. Advantage of using supervisor as source of performance information is that they are usually in best position to evaluate performance in relation to a strategic organizational goal. यानी कि परफॉर्म सुपरवाइजर से जो इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग परफॉर्मेंस उसके ज़रिए आप बेहतरीन तरीके से एवेल्यूएट कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस एक कम इंडिविजुअल की स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल के मुताबिक है या नहीं. इसी तरह हमने इसको एग्जांपल से भी डिस्कस किया रिलेटिंग टू सुपरवाइज़र. और डिसएडवांटेज हमने एक ये भी डिस्कस किया कि बाज़ औक़ात सुपरवाइज़र अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सबऑर्डिनेट्स को अच्छा रेटिंग देते हैं जो कि उन सुपरवाइज़र्स की हेल्प करे इन अचीविंग देयर स्पेसिफिक गोल्स और टारगेट्स. मगर सुपरवाइज़र उन सबऑर्डिनेट्स को और उन पीयर्स को, आपके कोवर्कर्स को अच्छे रेटिंग नहीं देगा जो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए काम कर रहे हैं. यानी कि सुपरवाइज़र उन लोगों को तो अच्छी रेटिंग दे देगा जो कि उसके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा है तो सुपरवाइज़र अपने पर्सनल बायस के वजह से उसे वो इम्पोर्टेंस या उसे वो रेटिंग नहीं देगा. ये एक इसका हमने डिसएडवांटेज डिस्कस किया था. और इन्हीं वजूहात को सामने रखते हुए डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाने लगा, जिनमें दूसरी जो सोर्स थी वो पीयर. के पीयर्स एवेल्यूएशन सफ़र फ्रॉम थ्री प्रॉब्लम. हमने पीयर इंफॉर्मेशन पढ़ी कि पीयर इंफॉर्मेशन जो है वो आपके बेसिकली पीयर ग्रुप से आती है. पीयर ग्रुप आपका फॉर्मली एक बंदे के बारे में अपने कॉमेंट्स देता है. और तीन किस्म की प्रॉब्लम ये फेस करता है पीयर ग्रुप. ये रेडिली एक्सेप्टेड नहीं होती जब एम्प्लॉय बिलीव करते हैं कि वहाँ पे उनके दरमियान एक फ्रेंडशिप हो या फिर उनके दरमियान एक बायस हो. जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये कि इट इज़ लेस डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग परफॉर्मेंस डायमेंशंस देन आर सुपरवाइजर्स. तीसरी प्रॉब्लम ये है कि इंडिविजुअल्स आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई वाट कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट. यानी कि पीयर एवेल्यूएशन जो है इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई वाट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट. यानी कि अगर एक पीयर एक
किसी एम्प्लॉय किसी सबऑर्डिनेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है दे रहा है और वो किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन को सामने रखते हुए इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो बायस इन्फॉर्मेशन होगी और सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। इसके बाद हमने केस स्टडी और केसेस डिस्कस किए, जिसमें हमने नेशनल यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल का केस डिस्कस किया और इसके बाद हमने इसके बाद हमने जो टॉपिक कवर किया वो सेल्फ का था। सेल्फ अप्रेजल्स आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, कि आप जब अपने आप को सेल्फ अप्रेज करते हैं तो उसके क्या प्रॉस हैं क्या कॉन्स हैं, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। और देन वी हैव डिस्कस डिसएग्रीमेंट अक्रॉस सोर्सेज इज दैट अ प्रॉब्लम, और इसके बाद हमने डिफरेंट किस्म के केस स्टडीज को डिस्कस किया और इन तमाम पॉइंट्स जो कि हमने लेक्चर में कवर किए हैं और इन तमाम को जहन नशीन करने के लिए हमने डिफरेंट एग्जांपल्स का सहारा लिया, एग्जांपल्स को डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज जो हमने पढ़ा उनमें सबसे पहले हु शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, डिसएग्रीमेंट अमंग अक्रॉस द सोर्सेज, हमने प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन को डिटेल में डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अब अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।